सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हर साल सब कुछ धमाल होता है और आप जो ड्रेस पहनती है जो भी उस आइकॉन बन जाता है, इस बार आप एमी के ड्रेस डिजाइनिंग पहने वाली पूरे 9 दिन पहने वाली, उसके बारे में बताइए किस तरह से आपने चॉइस किया। पिछले कई सालों से एमी मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं। उससे पहले जब भी मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी तो एमी ने जब भी मुझे स्टेज पे देखा तो उससे लगा कि मैंने बहुत ही सिंपल ड्रेसअप किया है और मतलब जिस तरीके हमारा प्रोग्राम जो जिस लेवल का होता है तो काफ़ी अच्छा ड्रेसअप हो सकता है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बन सकते हैं। तो दैट्स हाउ शी स्टार्टेड, शी सेड कि मैं पहले डिज़ाइन करूँगी। अच्छा तो आपको क्या क्या पसंद आया इस बार, किस तरह 9 दिन क्या क्या पहनने वाली? 9 दिन के अलग अलग कलर्स है, अलग अलग डिजाइन है, तो हर दिन अलग अलग कलर। टेक्निकली मुझे समझता नहीं, वो तो एमी आपको एक्सप्लेन करेगी। ओके, फिर हम उनके पास क्या कहना चाहेंगी फाल्गुनी के पास? ये साल जो हमने पूरा लुक क्रिएट किया है फाल्गुनी का, वो हर 9 दिन के अलग अलग लुक्स हैं जो बहुत ही मुझे अच्छे लगे हैं। वो एक लुक है जो हमने कृष्ण भगवान का पूरा उनके फेदर्स और जो वो कलर कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किए हैं। एक दिन हमने पूरे जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया के उसके एम्ब्रॉयडरीज फैब्रिक्स वो सारे मिक्स करके हमने एक आउटफिट तैयार किया है। और बहुत सारे जो हमने ये साल एम्ब्रॉयडरीज यूज़ करी है वो मेडिवल एरा से इंस्पायर्ड हैं, तो हमने फ्यूजन क्रिएट किया है जो बहुत मॉडर्न दिखता है लेकिन जितनी भी इंट्रिकेसी है वो सारी ट्रेडिशनल और अपने जो इंडियन कल्चर और हेरिटेज की जो हमारी बहुत वास्ट ट्रेजर है हमारे इंडिया में, वो मैंने काफ़ी अलग अलग तरीके से ब्लेंड करके आउटफिट्स तैयार किए। एज ऑल वी नो कि करोड़ों लोग इनके फैन फॉलोइंग है जो ड्यूरिंग सब गरबा सब इन्हीं को देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो सब चीज़ आपने ध्यान में रखा है? वो हमेशा ही ध्यान में रख के ही मैं इनको सजेस्ट करती हूँ आउटफिट्स पहनने के लिए, क्योंकि जैसे मैं इनको जानती हूँ बहुत सालों से, वो बहुत ही सिंपल बहुत ही अमेजिंग पर्सन है इंडिविजुअली, लेकिन जब भी स्टेज पे आती है तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, फाल्गुनी इज लाइक अमेजिंग ऑन स्टेज। तो वो जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रॉकिंग ये टाइम दिखने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि जितने भी आउटफिट्स हमने तैयार किए हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट बहुत ही जानदार आउटफिट्स है। जितनी जानदार इनकी परफॉर्मेंस रहने वाली है उतना ही जानदार इनका कॉस्ट्यूम है। So, इस बार क्या डिफरेंट चीज होने वाला है जो पिछले साल से हटके होगा? सारे कलर्स हमने जो यूज़ किए हैं वो पिछले साल नहीं यूज़ किए थे, रेड्स और पिंक्स को छोड़ के, लेकिन जो भी एम्ब्रॉयडरी है वो थोड़ी ओवर द टॉप है, ज़्यादा है। लास्ट ईयर हमने एम्ब्रॉयडरीज बहुत कम यूज़ की थी और ये टाइम ज़्यादा हमारा एम्फेसिस है कि जितना भी हम ट्रेडिशनल कल्चर्स को आउटफिट्स में दिखा सके वो हम दिखाएं, तो यही हमारी कोशिश रही है। आप क्या कहना चाहेंगे जब ये अलग अलग ड्रेस आप पहनती अलग अलग डिजाइन के ड्रेस पहनते तो आपका कितना कॉन्फिडेंस होता है उस समय, कितना मजा आता है? मतलब पूरा 50% मार्क्स तो उसमें मिल जाते हैं जो तुम अपने आप को प्रेजेंट जिस तरह से करते हो, और बाकी जो है वो हमारा परफॉर्मेंस हमारा म्यूजिक है, मतलब काउंट्स ओवरऑल काउंट करता है, और तुम जो कपड़े जो पहनते हो उससे तुम्हारी मतलब पूरा स्टैंडर्ड ही ऊंचा हो जाता है। और इस बार फैंस के लिए क्या नया होने वाला? फैंस के लिए बहुत सारे नए गुजराती गाने हैं बिकॉज डांडिया एंड गरबा इज बेसिकली अ गुजराती फेस्टिवल और लोग गुजराती गानों में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो गुजराती फोक गाने ट्रेडिशनल गाने कुछ आदिवासी टाइप के गाने गुजराती प्लस कुछ 4-5 कुछ नए गाना है, 15 गाने हैं। तो अभी आपको भी देख सकते हैं वहाँ पे थिरकते हुए। यस, मैं डेफिनेटली एक दिन तो ज़रूर जाती हूँ, सो आई विल ऑल्सो बी देर वंस, आई प्रोमिस्ड हर कि एक बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि जब भी हम इतनी मेहनत करते हैं क्रिएट करते हैं तो जब एक्चुअली हमको देखने मिलता है तो देर इज़ अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सो आई विल डेफिनेटली नॉट मिस दैट एंड आई विल बी देर। थैंक यू। मैम ये ना
मैं बहुत सारा उसको जानती हूँ। फिर मैंने उसके डिज़ाइन देखे तो मुझे पता चला कि शीजा डिज़ाइनर, मैंने उसके डिज़ाइन देखे मुझे बहुत ही पसंद आए। पिक्चर्स अभी डन? या इट्स डन। लाइट लेना, लाइट मैंने पायल भी शुरू होने को है और हमारे साथ है डांडिया क्वीन फाल्गुनी पायल। फाल्गुनी आपका मेट्रो में स्वागत हो और काफ़ी डिफरेंट लुक है इस आउटफिट इस सारे स्टेप्स जो हमारे लिए आगे हैं उनका सारा फ्यूजन अलग है और क्योंकि आई थिंक कि जैसे उनका म्यूजिक और इनके जो पूरा परसोना है फ्यूजन और ट्रेडिशनल विद द मॉडर्न लुक तो वो हमने प्लान किया है। यह ट्रेड अपने फाल्गुनी आप क्या कहेंगे थोड़ा आगे आइए interest in our clothes and colors. See, first of all, Amy is my friend. देखिए तो मुझे पता चला कि शीजा डिज़ाइनर मैंने उसके डिज़ाइन देखे मुझे बहुत ही पसंद आए और जब उसने मुझे स्टेज पर देखा परफॉर्म करते हुए काफ़ी साल पहले तो उसको लगा कि जिस स्टेज का हमारा जो जिस लेवल का हमारा प्रोग्राम होता है तो उस हिसाब से हमारे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और बन सकते हैं। मतलब